वालेकुम एंड वेलकम बैक दिस इज अली पाकिस्तान के म्यारी वक्त के मुताबिक ठीक है ना का टाइम हुआ जाता है वादे के मुताबिक हम फिर हाजिर हैं एक नए पॉडकास्ट के साथ जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में दिन ब दिन महंगाई और गर्मी बहुत तेजी से बढ़ रही है और गर्मी का तो ये आलम है कि मेरा पुराने ए सी भी काम करना छोड़ गया है मैं गरीब हूँ मैं गरीब हूँ कीमतें तो खैर हर चीज की बढ़ रही है लेकिन सबसे ज्यादा जिसको आग लगती है आई I मीन mean जिसको आग लग चुकी है यानी पेट्रोल और पिछले कुछ दिनों में पेट्रोल की कीमत में तकरीबन साठ रूपए के इजाफे के बाद आज हम दो इशारिया पैसे पर खड़े हैं वेट आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी जरूर हिट करें शुक्रिया प्लीज कर स� लेट मी क्लियर वन थिंग ये वीडियो पेट्रोल की या किसी और चीज की बढ़ती हुई कीमत के बारे में नहीं बल्कि ये वीडियो है हमारी आवाम की बढ़ती हुई बे मनत बेमानी और अंधी तकलीद पर जो की वो अपने रहनुमाओं या पॉलिटिकल लीडर्स और पॉलिटिकल पार्टीज की करते हैं जो के पेट्रोल की कीमत से कई ज्यादा बढ़ रही है तो हुआ कुछ यूं कुछ रोज पहले एक दोस्त की टाइमलाइन पर एक स्क्रीनशॉट देखा जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि सर्चिंग के तो हम कीड़े हैं तो फिर हम जा पहुंचे साहब की प्रोफाइल पर इससे पहले कि हम आगे बढ़े तो मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि इस वीडियो के बनाने का मकसद हरगिज किसी की दिलाजारी या कोई पर्सनल अटैक नहीं है हाँ। खैर जब हम इन भाई की प्रोफाइल पर पहुंचे तो हमारी सबसे पहली नजर पड़ी इनके रुखे पर खैर हम वहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि चेहरा तो खुदा की जात ने बनाया है इसीलिए मैंने इनकी तस्वीर और नाम को ब्लर कर दिया है क्योंकि इट इज नॉट पर्सनल थोड़ा नीचे आने पर आपको पता चलेगा कि भाई साहब एक कंटेंट राइटर हैं यानी इंटेलेक्चुअल हैं लेकिन मेरा दिल तब टूटा जब मैंने देखा कि भाई साहब जी सी जी सी हाँ जी जी सी लाहौर से ग्रेजुएट है ओहो मतलब जी सी एक खैर ये एक अलग मौजू है इस पर हम बाद में आएंगे अब जरा पोस्ट पर आते हैं डाउन करने पर दो जून की पोस्ट आती है जिसमें भाई साहब ने कंपैरिजन किया है यानी कंपैरिजन ऑफ पेट्रोल प्राइसेस इन पाकिस्तान विद अदर कंट्रीज और आखिर पे फरमाया है कि स्टिल लोएस्ट इन पाकिस्तान और एक्साइटमेंट की इंतहा चेक करें दो मरतबा एक्सक्लेमेशन मार्ग को इस्तेमाल करने की जहमत की गई है अब आते हैं हम असल मुद्दे पे। जी असल मुद्दा यानी कंपैरिजन किया गया है ऐसा ही एक कंपैरिजन हमारे एक ओह एक यूथी दोस्त ने किया था जब 2021 हजार इक्कीस में हुकूमत पाकिस्तान ने पेट्रोल की प्राइसिस में इजाफा किया था तो इन साहब ने हमारी प्राइसेस को हांगकांग से बिल्कुल इसी तरह कंपेयर किया था और कहा था कि पाकिस्तान में अभी भी पेट्रोल काफ़ी सस्ता है अभी वो पोस्ट मिल नहीं रही नहीं तो मैं लाजिम शेयर करता देखें इस तनकीद का मकसद नून लीग के सपोर्टर्स को टारगेट करना नहीं है बल्कि इस वीडियो का टारगेट वो सोच है जो कि हमारे मुल्क में अभी प्रिवेल कर रही है जिसमें लोग अपने लीडर्स अपनी पॉलिटिकल पार्टीज और बहुत सारे इदारों की अंधी तकलीद करते हैं पॉइंट ये है कि मेरा किसी पोलिटिकल पार्टी से कोई एफिलियेशन नहीं है और ना ही मैं किसी को सपोर्ट करता हूँ क्योंकि नो वन इज वर्थ इट खैर ये एक अलग बहस है इसको हम किसी और पॉडकास्ट के लिए छोड़ देते हैं कंपैरिजन से रिलेटेड अपने पॉइंट को मजीद सॉलिड करने के लिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल शेयर करना चाहूँगा एज्यूम करते हैं कि एक सोसाइटी में ऐलान किया गया कि जो बच्चा हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करेगा उसको सोसाइटी की तरफ से कैश प्राइज दिया जाएगा उस ऐलान के बाद चार बच्चे सामने आते हैं जो क्लेम करते हैं कि उन्होंने हाईएस्ट मार्क्स हासिल किए हैं उन बच्चों में शामिल है अली जिन्होंने हासिल किए 1050 नंबर, अबू नंबर जिन्होंने हासिल किए 2500 नंबर उमर जिन्होंने हासिल किए 650 नंबर और उस्मान जिन्होंने हासिल किए 4500 नंबर ज़ाहिर आपको लगेगा कि इन बच्चों में से सबसे ज़्यादा नंबर हासिल करने वाले उस्मान हैं और कैश प्राइज़ के हकदार भी वही हैं लेकिन जब मैं आपको मज़ीद कुछ मालूम फरहाम करूंगा तो शायद आपकी राय तब्दील हो जाए तो पता लगा कि अली ने एक नंबर हासिल किए हैं ग्यारह में से अबू बकर ने 2500 नंबर हासिल किए हैं 3000 में से उमर ने 650 नंबर हासिल किए हैं 850 में से और उस्मान ने 4500 हासिल किए हैं 6000 में से तो यहां अगर हम बेसिक परसेंटेज रूल अप्लाई करते हैं तो हमें पता चलता है कि अली ने 95 फाइव परसेंट अबू बकर ने 83 थ्री परसेंट उमर ने 76 परसेंट और उस्मान ने सेवेंटी फाइव परसेंट नंबर हासिल किए हैं अब आप देखें इससे साबित हुआ कि सबसे ज़्यादा नंबर हासिल करने वाला अली है और वही हकदार है कैश प्राइज़ का जबकि पहली मौजूद अधूरी मालूम से यूँ लग रहा था जैसे उस्मान पहली प्राइज़ का हकदार है मेरे ख़्याल से इस मिसाल के बाद मैं ये इस्टेबलिश करने में कामयाब हो गया हूँ कि कंपेरिज़न करने की लॉजिक को बुनियाद होती है जहां हमारे दोस्त ने किया है पाकिस्तान की प्राइसेस को और कहा है कि यहां सबसे लोएस्ट है लेकिन ये कंपैरिजन इनकम्प्लीट होगा अगर हम इन कंट्रीज के जीडीपी और पर कैपिटा इनकम को मलहूज खातर ना रखें देखिए सादा बात करते हैं एक सौ रुपए का एक्सपेंस एक ऐसे बंदे के लिए जिसकी आमदनी एक लाख या उससे ज्यादा है उसके लिए कोई खास मानी नहीं रखता लेकिन वही सौ रुपए का एक्सपेंस उस बंदे के लिए बहुत अहमियत रखता है जिसकी महाना आमदनी पंद्रह से बीस हजार के लगभग हो बल्कि ऐसे बंदे के लिए तो दस रुपए भी बहुत अहम है चूंकि ये इकोनॉमिक्स क्लास नहीं है और मैं नहीं चाहता कि आप बोर हों तो हम यहाँ पर पेट्रोल की प्राइसेस को सिर्फ कंट्रीज के पर कैपिटा इनकम से कंपेयर करेंगे पर कैपिटा इनकम यानी उस पर्टिकुलर साल में उस मुल्क के शहरी की औसत आमदनी प्लीज नोट के हम जितना भी डेटा यहाँ शेयर करेंगे तमाम ऑथेंटिक सोर्स से हासिल करेंगे और वो तमाम सोर्सेज में लिंक्स में मौजूद हैं और साथ ही साथ आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और साथ ही साथ मैंने तमाम इन्फॉर्मेशन को पाक रुपीज में कन्वर्ट कर दिया है ताकि समझने में आसानी हो सके तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने एक टेबल में मिक्स ऑफ कंट्रीज चूज़ किया है जिसमें बहुत से मुल्क एशिया से हैं और बहुत से मुल्क ऐसे हैं जहां पेट्रोल की प्राइसेस सबसे ज़्यादा हैं जी हां वो मुल्क जिनकी प्राइसेस बताकर हमारे यहां के सियासी बंदर छलांगे मारते हैं अच्छा तो पाकिस्तान जहां फ्यूल प्राइसेस को सबसे कम बताया गया है वहां की फ़ी का आमदनी वन ऑफ द लोएस्ट है यानी पंद्रह हज़ार से कुछ ज़्यादा बल्कि इस दौड़ में हम सिर्फ अफगानिस्तान से आगे हैं यानी हमसे नीचे सिर्फ एक मुल्क है और वो है अफगानिस्तान और वो मुल्क जहां बताया गया है कि पेट्रोल सबसे महंगा है यानी हांगकांग। जी हां, हांगकांग में पेट्रोल की कीमत पाकिस्तानी पांच सौ अट्ठासी इक्कीस है जबकि वहां की फी का आमदनी छह लाख से कुछ ज्यादा ही है चले इस बहस को थोड़ा और बढ़ाते हैं लस्सी है जितना पानी डालेंगे बढ़ाते जाएंगे चलें लस्सी में मजीद पानी डालते हैं और करते हैं कि किसी एक शख्स की डेली फ्यूल कंजम्पशन वन लीटर है ऑल दो ये बहुत कम है उन लोगों के लिए जो कराची और लाहौर जैसे बड़े शहरों में रहते हैं लेकिन चलें तो तो इस हिसाब से एक शख्स की मंथली फ्यूल कंजम्पशन हो गई तीस लीटर तो इस तीस लीटर के हिसाब से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने तमाम मुल्कों की प्राइसिस के हिसाब से माहाना खर्च निकाला है फ्यूल का और साथ ही साथ इस महाना खर्च को मैंने उस मुल्क के शहरी की औसत आमदनी से कंपेयर भी किया है तो इस तरह हम देख सकेंगे कि एक इंडिविजुअल की मंथली इनकम के कितने फीसद ये ख़र्चा बनता है और इस तरह पिक्चर मज़ीद क्लियर हो जाएगी ऑल दो बहुत सारे लोगों को इस पिक्चर को क्लियर देखने के लिए अपनी अपनी जमात का चश्मा उतारना पड़ेगा खैर वो आपकी मर्जी है लेकिन हम तो दिखाएंगे तो इस तरह आप टेबल में देख सकते हैं कि पाकिस्तान के एक शहरी की औसत आमदनी का चालीस फीसद फ्यूल का एक्सपेंस बनता है अगर वो शख्स डेली एक लीटर पेट्रोल इस्तेमाल करे जो कि बहुत ही मोहतात और कम अंदाज़ा लगाया गया है चले फिर भी इस लिहाज से भी चालीस फ़ीसद का मतलब है कि अगर एक शख्स सौ रुपया कमा रहा है तो उसमें से चालीस रुपये वो फ्यूल पर खर्च कर रहा है और पीछे बचे साठ और इस साठ में उसने बच्चों की तालीम घर का किराया राशन और पता नहीं कौन से खर्चे कर रहे हैं और तो और अगर कोई बीमार पड़ गया तो ये गरीब शख्स इन साठ रुपयों में कहाँ जाएगा अगर हम अभी का अनऑफिशियल डाटा देखें तो उसमें हमें पता चलता है कि पाकिस्तान की औसत आमदनी अब तकरीबन बीस हज़ार के लगभग है उस हिसाब से भी ये एक्सपेंस स्कूल आमदनी का तीस फीसद बनता है यानी एक शख्स के लिए पीछे फिर अगर सौ रुपये का हिसाब देखा जाए तो बचे सत्तर रुपये तो मेरे प्यारे अजीज गुलाम हम वतनों गुजारिश ये है कि जिन मुल्कों की आप बात करते हैं जहां फ्यूल प्राइसेस सबसे ज्यादा हैं वहां की फीकस आमदनी भी सबसे ज्यादा है और तो और फ्यूल एक्सपेंस हैज लोएस्ट शेयर इन देयर इनकम और अगर आप चार्ट पर गौर करें जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये नौ फीसद से ऊपर नहीं जा रहा यानी ऐसे मुल्कों में अगर एक शख्स सौ रुपये कमाएगा तो वो नौ रुपये पेट्रोल पर खर्च करेगा तो उसके पास पीछे बचेंगे इक्नवे रुपए बाकी खर्चों खराजात को देखने के लिए पेशे खिदमत है ये एक गैर सियासी पोस्ट तो मेरी इन भाई से हाथ जोड़ कर गुजारिश है कि भाई और कोई शर्म होती है कोई हया होती है आपके ही एक साथी ने कहा था ना कोई शर्म होती है ना कोई हया होती है आप जरा उस गरीब आदमी के बारे में सोचे जो महीने का पंद्रह से बीस हजार कमा रहा है और वो अगर पेट्रोल पर इस हिसाब से खर्च करेगा तो वो बाकी चीज़ों पर कैसे खर्च करेगा अभी तो मैंने सिर्फ पेट्रोल का मुआजना किया है आप बाकी कमोडिटीज़ की प्राइस चेक करें हेल्थ केयर के एक्सपेंसिस चेक करें और फिर देखें कि एक शख्स जो पंद्रह से बीस हज़ार कमा रहा है वो कैसे मैनेज करेगा रही बात पैसों की तो अगर आपके पास फालतू हैं तो आप अपनी मर्जी से अपने पैसे बेशक जाकर जला डालें लेकिन इस तरह की अहमकाना और जाहिलाना पोस्ट से परहेज़ करें आखिर पर मैं गुजारिश करूंगा कि ये मेरा प्यारा मुल्क इस अहमकाना और जाहिलाना और बे सोच की वजह से अहमकों की जन्नत बन चुका है जब हमारे लोग किसी को एक बार लीडर या अपना पेशा मान लेते हैं फिर उसके बाद वो उसकी हर गलत सही बात का दिफा करना अपना शरीफ फर्श समझने लगते हैं जब वो कोई गलत काम कर दें तो उसके दिफा में ऐसे आन खड़े होंगे जैसे ये कोई शरीफ फरीजा है और फिर ना आओ देखते हैं ना ताओ और उसके डिफेंस में खड़े हो जाते हैं और फिर ऐसी ऐसी बेमन तक इलॉजिकल बातें करेंगे कि दिल करता है कहीं जाके सर दे मारें देखें इस सोच के जाविये को बदलने की ज़रूरत है चीज़ों को रैशनली देखने की ज़रूरत है यानी अकली दलीलों की बुनियाद पर चीज़ों को परखें ये ऊपर खाना खाली नहीं है इसमें एक अदर दिमाग अल्लाह तता किया है और इसको इस्तेमाल भी करना है मैं जानता हूं इस वीडियो को देखने के बाद बहुत से लोगों की जलेगी और वो लोग कमेंट्स में आकर अपने जहन का फजला उगलेंगे तो ऐसे लोगों से मैं कहना चाहूँगा भजन आए एंड प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ आई डोंट केयर हमारे लोग ये नहीं जानते कि तनकीद एक माशरे का हुसन होता है हर किसी को इख्तलाफ राय रखने का हक हासिल है लेकिन इस राय का बहुत ही एहसन और अखलाक के दायरे में रह कर करना चाहिए क्योंकि तमीज बहुत ज़रूरी है और अच्छी बात जहाँ से भी मिले ले लेनी चाहिए आपको इस तरह के नमूने यानी सियासी गदे रोज मिलते होंगे जाहिर है ये मुल्क ऐसे लोगों से ही तो बड़ा पड़ा है तभी तो ये हाल है हमारा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी अपने इस तरह के एक्सपीरियंस कमेंट्स में शेयर करें अपना फीडबैक ज़रूर दें वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप मेरी बातों से या मेरी सोच से रिलेट करते हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को और मेरे कॉन्टेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि अच्छी बात ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दुबाना मत भूलिएगा ताकि हम कनेक्टेड रहें अंटिल नेक्स्ट टाइम अल्लाह नगेबान